लोग जितना ही बोले ओवर प्राइस ओवर प्राइस है, मैं तो खैर यही बोलता हूँ ओवर प्राइस नहीं है, पर असलियत में ओवर प्राइस है। राम राम भाई, सारा भाई है ना, मैं आपका भाई कुणाल यादव। आज एक ओनरशिप रिव्यू लेंगे भाई, जो अपनी पोलो है उसी के मुकाबले की गाड़ी है, तो उसका ओनरशिप रिव्यू करेंगे। भाई ने मॉडिफाई भी करवा रखा है, काफी सारा काम करवा रखा है, तो गाड़ी आपको पता चल गया तो ठीक है, नहीं तो एक बार देख लो भाई। ये है अपनी i20N Line, 1000 cc टर्बो इंजन आ जाता है भाई इसमें, 7-speed DCT। तो कैसा क्या है, कितनी माइलेज निकालता है, परफॉर्मेंस कैसी है, ब्रेकिंग कैसी है, हैंडलिंग कैसी है, क्योंकि एन लाइन है भाई ये, या नॉर्मल i20, तो हैंडलिंग वगैरह ब्रेकिंग वगैरह क्या पता डिफरेंट हो, तो वो ओनर भाई से जानेंगे। भाई ने ये ही क्यों ली, 13.5 लाख रुपए की आयकर है भाई ऑन रोड, तो इस पे मतलब 13.5 लाख भाई ने क्यों लगाए मेजर, तो वो चीज जानने की कोशिश करेंगे। एक बार भाई ओवरऑल लुक दिखा दो आप चारों तरफ से। मैट PPF भी करवा रखी है भाई ने, आगे स्प्लिटर लगवा रखे हैं, हेडलाइट पे करवा लिए, पीछे की तरफ देख लो भाई, भाई से पूछेंगे क्या क्या इसमें काम करवा रखा है पीछे। मेन तो इसमें वेल्वेट्रॉनिक का एग्जॉस्ट लगवा रखा है भाई ने, तो इसका भी और देखेंगे क्या इसका रिजल्ट है, क्यों भाई ने ये लगवाया, क्या मेन पर्पस लगा। तो बिना किसी देरी के भाई भाई को बुला लेते हैं, आ जाओ भाई। तो भाई भाई अपने साथ है जो कि इसको ऑन करते हैं, क्या हाल है भाई? बिल्कुल बढ़िया कुणाल भाई। राम राम कर दो भाई। राम राम भाई। तो भाई कब ली थी आपने i20N Line? ये मैंने 22 फरवरी 2022 में लिया। तो भाई को जो है 7 महीने के आसपास जो है गाड़ी को हो चुके हैं, अब तक कैसी चल रही है? अब तक तो बहुत बढ़िया चल रही है, काफी सारे मॉड्स कराने के बाद भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है, सब कुछ सही चल रहा है खैर। तो भाई 13.5 लाख रुपए आपने इस पे लगाए हैं, क्या सोच के लगा दिए, मतलब हैचबैक पे? देखो 13.5 लाख में सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस नहीं है, काफी ऐसी चीजें हैं जो एक परफॉर्मेंस व्हीकल में होनी चाहिए। चारों डिस्क ब्रेक है, Hyundai में चारों डिस्क ब्रेक मिलती नहीं है, वरना में नहीं है। बिल्कुल ठीक है, तो इसमें चारों डिस्क ब्रेक है, आगे वाले डिस्क ब्रेक के जो ब्रेक कैलिपर्स है वो रेड कलर के है। दूसरी चीज जो है इसके जो सस्पेंशन सिस्टम है वो 33.3% स्टिफर है, ताकि वो रोड से पकड़ बना के रखे, पक्के चले, ज्यादा उछले ना। बिल्कुल, जैसे नॉर्मल i20 में जाओगे किसी खड्डे या फिर स्पीड ब्रेकर पे चलाओगे गाड़ी तो वो उछलेगी, ये उतनी नहीं उछलती, जमीन से चिपक के रहती है। जैसे GFR रोड है ना, गुड़गांव फरीदाबाद रोड, उसपे जैसे एक बहुत ऐसा वाला टर्न था, तो उसपे 120 की स्पीड पे पूरा 45 डिग्री एंगल पे टर्न ले रहा हूँ, हल्का सा भी बॉडी रोल महसूस नहीं हो रहा था, ये इसकी खासियत है। कॉन्फिडेंस रहता है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता है। तो दूसरी बात, इसका स्टेयरिंग व्हील इसका टोटली डिफरेंट है। दूसरी बात जो ये है कि अगर इंटीरियर पे जाए तो इसका स्टेयरिंग व्हील टोटली डिफरेंट है, इसका स्टेयरिंग व्हील 33.3% स्टिफर है, वो भी ताकि कॉन्फिडेंस बना रहता है एक जो ड्राइवर होता है उसके अंदर। हाँ जी, नॉर्मल i20 में और इसमें मतलब स्टीयरिंग का भी फर्क है। हाँ, डिजाइन में भी और एडिशनल वेट में भी। जैसे हाई स्पीड्स पे इसका एडिशनल वेट इतना ज्यादा स्टिफ हो जाता है कि आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है कोई भी कट मारने पे। खासकर इसमें पेडल शिफ्टर्स भी है क्योंकि DCT है, तो वो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस देता है। तो कॉस्मेटिक चेंजेस के अलावा इसमें बहुत सारे परफॉर्मेंस मोड्स भी है। अच्छा जी, बिल्कुल। आपने बाहर से क्या क्या काम करवा दिया इसमें? सबसे पहले तो मैंने गाड़ी खरीदते ही 1 महीने के अंदर अंदर इस पे PPF मैट कोटिंग करा दी थी, क्योंकि एक स्पोर्टी कार पे एक स्पोर्टी कलर ही सूट करता है। बिल्कुल, क्योंकि पहले इस पे ग्लॉस था, पहले इस पे ग्लॉस कलर था, टाइटन ग्रे कलर आता है वो, तो मैंने इसको मैट फिनिश करा दिया। तो इसमें कितना खर्चा आया? इसमें मेरा आया था 50,000 के आसपास का खर्चा। 50,000 का? बिल्कुल भाई। ये जो मैट PPF होती है, हाँ जी, मतलब इनकी गारंटी वारंटी कुछ होती है क्या? बिल्कुल, अलग अलग कंपनीज की अलग अलग होती है। जैसे मैंने ल्यूमार की लगवाई है, ल्यूमार की 5 साल की वारंटी होती है कि अगर अपने आप कभी खराब हो जाती है या फिर कोई डिफेक्ट आ जाता है, फूल जाती है, पीली पड़ जाती है, तो वो अपने आप रिप्लेस करके दे देते हैं। और बताओ भाई इसके अलावा? इसके अलावा मैंने इसमें, सबसे पहले तो मेरे को इसमें आवाज चाहिए थी, तो मैंने इसका जो नीचे एक रेजोनेटर होता है और एक सेकेंडरी कैट होता है, इसमें दो कैट है, एक हेडर में एक नीचे है, तो इसका सेकेंडरी कैट और रेजोनेटर जो है वो मैंने डिलीट करवा दिया। अच्छा। तो उससे एक बहुत अच्छी आवाज आती थी, माइलेज अच्छी हो गई थी और परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो गई थी। फिर शुभम भाई के साथ मैं साइलेंसर हाउस गया था वापस, तो फिर मेरा मन किया कि कुछ और मॉड करवाते हैं, तो फिर मैंने एंड में चलती रहनी, बिल्कुल, तो मैंने वेल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट सिस्टम लगा दिया, जिससे इसकी आवाज बहुत ही ज्यादा लाउड हो गई है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो गई है पहले से, और माइलेज भी अच्छी देती है अगर प्यार और इज्जत से चलाओ तो। अच्छा, साइलेंसर से कोई परफॉर्मेंस में माइलेज में कुछ फर्क पड़ा हो? वही कह रहा हूँ, परफॉर्मेंस अच्छी हुई है क्योंकि एयर फ्लो बहुत ज्यादा खुल जाता है नीचे से, तो परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है। बात रही माइलेज की, अब आवाज तेज होती है तो तेज चलाने का मन करता है, इसलिए माइलेज गिर जाती है, पर अगर पेट्रोल पीते हो पंजा रखते हैं, बिल्कुल RPM हाई रहेगी, तेल ज्यादा जाएगा, पर अगर प्यार और इज्जत से चलाओ तो माइलेज उतनी ही ज्यादा देगी, क्योंकि अब एयर फ्लो पूरा खुल चुका है, तो ये बात है। तो ये चीज है भाई, और बताओ भाई स्प्लिटर्स क्या समझ गए मतलब? तो स्प्लिटर्स का तो मेरा ये था कि भाई पहले तो मैंने नॉर्मल Amazon से ऑर्डर करे थे,
तो आगे वाले तो 120 की स्पीड में ब्लास्ट हो गए, उड़ गए। अच्छा जी, बिल्कुल उड़ ऐसे थे वो। पता नहीं वो ऐसे ही थे, बस उसमें मैंने ये रॉड्स नहीं लगा रखी थी, वो हवा में उड़ गए। फिर मैं करोल बाग गया, वहां से मैंने ये स्प्लिटर का सेट खरीदा, उसके बाद इसमें रॉड्स फिट करवाई ताकि एक बैलेंस बना रहे और डिजाइन भी अच्छा आता है। फिर मैंने इस पर रेड कलर की टेपिंग करा दी क्योंकि इसका एम्बियंस ही रेड कलर का है, मैट ब्लैक प्लस रेड कलर। तो भाई ये चीज आपने बाहर तक करवा दी, अब लाइट्स का बताओ, इसमें एलईडी आती है या हैलोजन आता है? इसमें एलईडी फुल एलईडी सिस्टम आता है, जब गाड़ी ड्राइव मोड पे होती है तो इसके जो ये डीआरएल है ये जलते हैं, प्रोजेक्टर हैंड लैंप्स है, लेकिन जो इंडिकेटर्स है वो है, क्या बोलते हैं, नॉर्मल है, हाँ नॉर्मल हैलोजन है। थ्रो कैसा लगा रहा आपको? रात को इनका थ्रो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, मेरे को पहले वरना का थ्रो बहुत ज्यादा पसंद था, पर इसका थ्रो देख के तो मैं बावला हो गया, बहुत ज्यादा बढ़िया थ्रो है। और इसमें एक खासियत है हेडलाइट में जो Hyundai की बहुत कम गाड़ियों में है, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर एक एडिशनल लाइट है। इस एडिशनल लाइट का काम ये होता है जब रात में आप राइट की तरफ टर्न लोगे तो राइट साइड की लाइट जल जाएगी, कॉर्नरिंग लैंप है ये भाई, अपनी वरना में भी है, बिल्कुल बहुत फायदा देता है, बहुत ही ज्यादा फायदा देता है रात में Hyundai में, खासकर क्योंकि जो अपनी पोलो है ना उसमें भाई ये करना पड़ता है, पहले इंडिकेटर दो, टर्न इंडिकेटर, हाँ फिर ये काम करेगा, जब तक इंडिकेटर नहीं चलाओगे ना। अच्छा, इसमें बस हल्का सा टायर मुड़ जाता है तो चल जाता है, तो ये चीज हो गई। अब आ जाओ भाई अंदर की तरफ, अंदर देखते। तो भाई आ चुके हैं एन लाइन i20 एन लाइन के अंदर, तो इंटीरियर की बात करें तो भाई इंटीरियर तो मतलब इसका लगता है कि हाँ फील है, बहुत ज्यादा बढ़िया, पूरा ब्लैक इंटीरियर है। रूफ भी भाई ब्लैक आती है या करवाई है? पूरी ब्लैक आती है, ऑल ब्लैक इंटीरियर, बिल्कुल। तो ये काफी अच्छी चीज होगी भाई, ऑल ब्लैक है, कंपनी से ही जो है रूफ इसकी ब्लैक आ रही है। और खास फीचर्स की बात करें भाई, क्या आ जाता है खास? सबसे पहले तो इंटीरियर में देखा जाए तो पूरा डिजिटल क्लस्टर है इसमें, तो वो एक बहुत ज्यादा अच्छी फील देता है। 10.26 इंच की डिस्प्ले है जिसमें मैं मोस्ट ऑफ द टाइम एप्पल कारप्ले यूज करता हूँ, बहुत स्मूथ टच है, बहुत स्मूथ डिस्प्ले है, नॉर्मल Hyundai के एप्स भी बहुत ज्यादा अच्छे है। साउंड सिस्टम इसमें बोस का है। अच्छा जी, तो बोस के साउंड स्पीकर और 7 स्पीकर यूनिट है, तो उसकी क्वालिटी तो काफी अच्छी है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया साउंड क्वालिटी है, तो इन चीजों को लेके तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। एसी इसका ब्लोअर बहुत ज्यादा तेज है, वायरलेस चार्जिंग आ जाती है इसके अंदर। अच्छा। सनरूफ आ जाती है, सनग्लास होल्डर और रियर आर्मरेस्ट है और सब कुछ है, मतलब आपको कोई 13 लाख रुपए अगर आप दे रहे हो तो आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी, ये बात जरूर है। अब स्टीयरिंग की बात करते हैं तो भाई ये टिल्ट टेलीस्कोपिक दोनों देखने को मिलता है, ये काफी अच्छी चीज है। बिल्कुल, नॉर्मल i20 में तो शायद टिल्ट ही है ना? शायद नहीं, एस्ट्रो ऑप्शन में टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों है, पर इसकी स्टेयरिंग ही इसकी मेन अट्रैक्शन है। बिल्कुल ही अलग है नॉर्मल i20 से, सब कुछ डिफरेंट है, पेडल शिफ्टर्स है, एडिशनल वेट है, रेड स्टिचिंग है, और क्या चाहिए। बाकी भाई इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है, स्टेयरिंग की अगर रिस्पॉन्स की बात करें तो अभी ड्राइव करके देख लेंगे। एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड पे भाई वायरलेस है या वायर से है? ये वायर से ही होता है, जो इसका नीचे वाला भी, जैसे ये N8 है, इसका एक N6 वेरिएंट भी आता है जिसमें काफी सारे फीचर्स कट हो जाते हैं, जैसे प्रोजेक्टर हेडलैम्प नहीं है, रियर वाइपर नहीं है, उसमें ना 8 इंच की स्क्रीन आती है, उसमें वायरलेस है। N लाइन में भी मतलब ये वेरिएंट आते हैं? दो आते हैं, एक N6 एक N8। आपकी N8 है टॉप एंड? हाँ बिल्कुल, इससे ऊपर कुछ भी नहीं। बाकी भाई ये हो गया इसका 7-स्पीड DCT गियरबॉक्स, ड्यूअल क्लच है भाई, कैसा है? बिल्कुल ये ड्यूअल है ना, ड्यूअल क्लच है। तो इसका कैसा रिस्पांस लगा भाई शिफ्टिंग का? देखो शिफ्टिंग बहुत ज्यादा बढ़िया है, नो डाउट, पर जो लैग ये देती है स्टार्ट में, इनिशियल में, वो बहुत ही ज्यादा बेकार है, मेरे को अब रीमैप कराने की जरूरत पड़ेगी इसको। आप मतलब कैसा फील होता है जब आप इसको भगाने की कोशिश करते हो? जैसे मैंने एक्सीलेटर दे रखा है, तो एक्सीलेटर देने का मतलब है उसी टाइम गाड़ी निकलनी चाहिए, पर ये अपना 1 सेकंड का बहुत आराम से टाइम लेगी, उसके बाद बोल के चलो अब निकलते हैं। तो इससे आप परेशान हुए? हाँ इस चीज से थोड़ा सा परेशान हूँ, ज्यादातर रेस में दिक्कत करता है, बाकी जब मैं नॉर्मल हाईवे पे क्रूज कर रहा होता हूँ और कट करके निकलता हूँ तब ये परेशान नहीं करता, तब रेस देते ही निकलती है, पर इनिशियल में जब जीरो से स्टार्ट करते हैं तब तो इसको ये तो बहुत परेशानी है, ड्रैग रेस में कामयाब नहीं है ना, ना। बाकी भाई ये हो गया इसका हैंड रेस्ट, इसमें स्पेस भी मतलब अच्छा है ना भाई? स्पेस बहुत ज्यादा बढ़िया है इसमें। अच्छा ये होगी भाई इसकी की दिखा देते हैं आपको एक बार, ये हो जाती है भाई इसकी की, लॉक अनलॉक होल्ड पे बूट अनलॉक, और ये भाई हॉर्न के लिए। हाँ जैसे आपने बेसमेंट में गाड़ी पार्क कर दिया, आपको पता नहीं है कहाँ पर है गाड़ी। अच्छा अच्छा, आप गेट नंबर 2 पे और गाड़ी गेट नंबर 18 पे है, आप वहाँ से ये हॉर्न दबा दो, पीपी करना स्टार्ट करती है, आपको पता चल जाएगा। बाकी ब्लूलिंग कैप है। अच्छा। तो उसमें तो सब दिखी जाता है। इसमें भाई कूल्ड ग्लव बॉक्स आता है? बिल्कुल कूल्ड ग्लव बॉक्स है, बहुत ज्यादा बढ़िया काम करता है। और इसमें लाइट इसके अंदर है? है ठीक है भाई, ये हो गया स्पेस भी ठीक है। अब बात करते भाई इंटीरियर प्लास्टिक क्वालिटी की, तो वो मैं दिखाना चाहूंगा आपको एक बार। नहीं भाई जितनी भी गाड़ी देखी है ना भाई, पोलो जैसी किसी में नहीं मिली आज। पोलो तो है ही क्वालिटी, उसकी फिट और फिनिश इतनी ज्यादा फाइन है, मैं बता नहीं सकता। इसमें हार्ड प्लास्टिक है, दिखने में अच्छे है पर फील उतना ज्यादा बढ़िया नहीं है। भाई को कहना चाहूंगा एक बार पास से दिखाए, ये देखो भाई। तो ये चीज भाई कहीं ना मतलब
मेरे को इतनी गाड़ी रिव्यू कर ली, किसी में भी नहीं मिली जो अपनी पोलो में। बिल्कुल सही बात। तो ये चीज है। स्पेस कैसा लगा भाई? स्पेस तो बहुत ज्यादा है किसी भी होंडाई में, चाहे वरना हो चाहे पुरानी आई ट्वेंटीज हो कुछ हो, इसकी रेयर स्पेस बहुत ज्यादा बढ़िया और आगे का कंफर्ट तो कुछ ज्यादा ही बढ़िया है। जैसे अगर आप बहुत बढ़िया रोल कर रहे हो, क्रूज कर रहे हो, कट मार रहे हो, आपको आगे तो महसूस होएगा ही नहीं बॉडी रोल हो रहा है, पीछे थोड़ा बहुत बॉडी रोल महसूस होएगा पर स्पेस बहुत ज्यादा है पीछे। अब बात करते हैं भाई सीट की, तो हाइट एडजस्टेबल सीट है ये, ऊपर भी काफी हो जाती है, सीटिंग पोजीशन कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार मैं एडजस्ट करके भाई स्पेस देखना चाहता हूँ इसमें कितना है। बस ठीक है भाई, अब पीछे चल के स्पेस देख लेते हैं। और इसमें व्यू का ऑप्शन आता है यहाँ पे, वो ड्राइव पे आएगा। जैसे अच्छा। दबा के रखो ड्राइव पे, अब आप व्यू दबा दो तो ये 24 आवर ये देखो भाई व्यू चलती में भी रहता है, चलती में रहता है, इसमें कोई वैसा तो नहीं होता भाई लैग वैग आ रहा हो कैमरे में। कैमरे को नहीं, इसका कैमरा तो कुछ ज्यादा ही बढ़िया, और इसमें तो नाइट विजन मोड है, नाइट विजन तो इतना बढ़िया काम करता है ऐसा लगता है कि आप सुबह ही गाड़ी चला रहे हो। अच्छा जी, बहुत ही ज्यादा 360 नहीं है ना वैसे इसमें, 360 नहीं है, और सही बताऊं तो हैचबैक में जरूरत भी नहीं। हां बिल्कुल। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल भी भाई इसमें आता है। हाँ। तो पीछे चल के स्पेस देखते हैं स्पेस कैसा है, बाकी स्पीकर भी टेस्ट करेंगे। आ जाओ भाई पीछे एक बार। भाई एज अ पोलो ओनर स्पेस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई, बहुत ही खुले बैठे हैं। स्पेस देखा जाए तो इसमें बहुत ज्यादा स्पेस है, लेग रूम बहुत ज्यादा अच्छा है, और आर्म रेस्ट है इसमें, तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस इसमें कप होल्डर नहीं है। बाकी हेड रूम की बात करें तो वो भी भाई कोई दिक्कत नहीं है, 6 feet की मेरी हाइट है, इनफ है। बाकी सीट कवर भी भाई ये कंपनी से ही होंगे ना, ये बिल्कुल एन लाइन में। हेडरेस्ट एडजस्टेबल है, बाकी जो थोड़ा सा मतलब ये है इसका थोड़ा सा एंगल नीचे थोड़ा सा और हो सकता था भाई, ये बात है ना, अपराइट है, अपर है, अपराइट है, पोलो में थोड़ा सा ये नीचे की तरफ है डाउन, तो ये चीज लगी वैसे इसमें। बाकी स्पेस भाई एक नंबर है, मौज है गाड़ी में, कोई दिक्कत नहीं है। बूट स्पेस की बात करते हैं, बंद कर रहा हूं भाई। ये हो गया भाई इसका बूट स्पेस, कितने लीटर आता है भाई इसमें? 311 liter मेरे ख्याल से। 311 तो बूट स्पेस भी भाई पोलो से इसमें फालतू है। बाकी ये क्या कुछ सिस्टम भाई? ये वेल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट की मोटर है। अच्छा जी। ये इसका जो इसमें ना एक वाल्व होती है जो ओपन और क्लोज होती है, इसीलिए साउंड बंद और वो बिल्कुल होती है। सही बात। ये है उसका ये सिस्टम है। हाँ। तो भाई किसी भाई को पता नहीं हो कि भाई ऑन भी हो जाती है बंद भी हो जाती है, तो ये सिस्टम है उसका मेन। टायर की बात करते हैं भाई, तो साइज इसके देखते हैं, 185/65/15 फर्क है साइज में बिल्कुल। और जो अलॉय व्हील है उसका 195/65/16, तो ये चीज है थोड़ा सा फर्क है। बाकी इनकी बात करें भाई अलॉय व्हील की, तो ये भी देखने में अच्छे लगते हैं। सनरूफ की और बात कर लेते हैं, एक बार सनरूफ खोल के दिखा देते हैं भाई कितना यूजफुल है भाई ये सनरूफ। देखा जाए तो किसी हद तक यूजफुल है, पर इसमें एक दिक्कत हो गई है अभी पता नहीं क्यों, इसमें वन टच था, वन टच ओपन वन टच क्लोज, बट वो अभी काम नहीं कर रहा है, उसको दबा के रखना पड़ता है। तो आपने बताया ये हुंडई में अभी टाइम नहीं मिल पा रहा एक्चुअली, कॉलेज की वजह से मैं कर नहीं पा रहा, पर ये सिस्टम है। तो सनरूफ ये देख लो भाई डिसेंट है हैचबैक के हिसाब से, सही है निकल सकते हैं भाई कई गाड़ियों में तो और भी छोटा आता है। बिल्कुल सही बात है, और सही बताऊं तो निकलने के लिए कोई इसको यूज ही नहीं करता, मतलब बस इसलिए कि भाई ठंडी एक मौसम बन रहा है, ठंडी हवा आ रही है, बस उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है भाई ये हो गया सनरूफ। अब ड्रॉबैक भाई मेन गाड़ी में कमी कहाँ लगी? ठीक है, तो कमी सबसे पहली चीज तो है अगर परफॉर्मेंस में देखा जाए तो उसका गियर बॉक्स। गियर बॉक्स भले ही डीसीटी है पर इंडियन कंडीशंस के हिसाब से एकदम सूटेबल नहीं है, आपको लैग दे रहा है, वो कुछ दिक्कतें हो, और डीसीटी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। अच्छा ये बात है। गियर चेंज प्रॉब्लम आई आपको कभी गर्म होने की? खैर मुझे नहीं आई, पर मर्सिडीज में बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम है कि मतलब गियर बॉक्स गर्म होता ही होता है। अच्छा जी ठीक है। दूसरी बात यह है इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी भी अच्छी नहीं है जितनी हुंडई बताती है। कितना बता रही है हुंडई? जैसे बिल्ड क्वालिटी देखा जाए कि मतलब अगर आप इसमें डेंट मार दो तो वो डेंट निकालना भी बहुत मुश्किल होता है। अगर आप मेरी गाड़ी के साइड में आकर देखोगे तो यहाँ पर एक डेंट लगा हुआ था, तो ये डेंट निकालने में ऐसी की तैसी हो गई। पिलर पे डेंट लगा था, वो डेंट निकालने में दिक्कत हो गई। बोनेट के डेंट निकालने तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एक डेंट तो ऐसा था बोला था कि वो हिस्सा कटेगा, उसके बाद उसमें नई प्लेटिंग चढ़ेगी, फिर वो डेंट हट जाएगा। तो बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, पर हाँ ये है कि सेफ है गाड़ी। एयरबैग कितने आते हैं भाई इसमें? भाई सेफ्टी के हिसाब से एयरबैग इसमें 6 है। 6 एयरबैग है तो बहुत बढ़िया क्वालिटी है, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ड्रॉबैक और तीसरा मेन ड्रॉबैक ये है कि लोग जितना ही बोले ओवरप्राइस है, मैं तो खैर यही बोलता हूँ ओवरप्राइस नहीं है, पर असलियत में ओवरप्राइस है। ठीक है, क्योंकि अगर 13.5 lakh की गाड़ी है और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है तो 1 liter का इंजन नहीं देना चाहिए था।
एक लीटर इंजन इसलिए दिया क्योंकि फ्यूल इकोनॉमी देखनी है, पर अगर आप वही इंजन 1.4 लीटर दे देते हैं पर नेचुरली एस्पिरेटेड दे देते हैं तो गाड़ी की परफॉर्मेंस भी अच्छी होती और तेल भी ज्यादा निकलता। बिल्कुल, एवरेज कितनी निकाल रही है ये नॉर्मल सिटी में? देखो नॉर्मल सिटी में अगर बहुत ज्यादा प्यार और इज्जत से चलाओगे तो 12 से 13 की एवरेज दे रही है सिटी में, हाईवे पे 15 से 17 बस। हाँ 17 लास्ट, 17 लास्ट में 18 तो सिटी में अगर आप एग्रेसिव चलाते हो तो मैं तो 5 तक लेके गया हूँ इसका तेल तो मतलब यो भी पीती है भाई, है ना। साउंड सिस्टम दिखा देते हैं भाई इसका, वेल्वट्रॉनिक है, क्रैकलिंग की वो आवाज, क्रैकलिंग की सिर्फ जब गियर शिफ्ट होता है। अच्छा अच्छा करना रहे हो, ये देख लो भाई, अब इसको ऑफ करना भाई एक बार, ऑफ कैसे होता है ये इस बटन से ऑफ हो जाता है। अब इसके बाद आवाज, ये देखो भाई इसके बाद भी आवाज इसलिए आ रही है क्योंकि वाल्व ना थोड़ी सी दिक्कत दे रही है अभी। अच्छा, तो इसीलिए अभी ऑफ करने पे इतनी ज्यादा आवाज आती है, वरना ऑफ करने पे बिल्कुल साइलेंट हो जाती है नॉर्मल। हां जैसे नॉर्मल साइलेंट हो जाती है, और ऑन करने पे। अब भाई इसके स्पीकर टेस्ट और कर देते हैं एक बार, भाई इसको एक बार चला के और देख लेते हैं कि भाई कैसी चलती है। आ जाओ भाई।